नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो 1365। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। मैंने बहुत सारी बुक में से लगभग 50 क्वेश्चन निकाले हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क सीखने के लिए सब बुक प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे वीडियो देखते रहना तो आपको उसमें से अलग अलग टाइप के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और शायद सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इनमें से ही क्वेश्चन होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, मतलब ए जो है वो एक काम 8 दिन में ख़त्म करता है। और बी जो है वो उसको वही काम दिया है वो 24 डेज में ख़त्म करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 और 24 दोनों का हम एलसीएम लेंगे, और वो जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 24। ये जो एलसीएम है वो उसका टोटल वर्क है। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि ए को 24 चॉकलेट बनाने को दिया है और वो 8 दिन में चॉकलेट टोटल बना के देता है हमको, तो उसको एक दिन में वो कितनी चॉकलेट बनाता होगा? 3 चॉकलेट बनाता होगा। बी को वही काम हमने दिया है, मतलब 24 चॉकलेट बनाने को दिया है, तो वो 24 दिन में ख़त्म करता है। एक दिन में वो कितनी चॉकलेट बनाएगा? 1 चॉकलेट बनाएगा। अभी क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी टुगेदर, मतलब दोनों साथ में मिलके कितना टाइम में ये काम ख़त्म कर सकते हैं? तो ए प्लस बी, मतलब दोनों साथ में मिलके 3 प्लस 1 मतलब 4। ए और बी दोनों साथ में मिलके एक दिन में 4 चॉकलेट बनाते हैं। उनको बनानी है टोटल कितनी? 24। एक दिन में बनाते हैं 4, तो क्या आएगा? 6 डेज। मतलब ए और बी अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो 6 दिन में वो काम ख़त्म कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए एंड बी दोनों साथ में मिलके अगर एक काम करते हैं तो उनको वो काम पूरा करने में 12 दिन लगता है, और बी अलोन, मतलब बी अकेला एक काम करता है तो उसको वो काम पूरा करने के लिए 30 डेज लगता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमको डेज दिया है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60। ठीक है, यहाँ पे आएगा 60 डेज। अब देखो यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 60 लेना है, यहाँ पे आप 120 भी ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पर हम 60 लेंगे तो क्या है, 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो जो आंसर है वो कंप्लीट डिजिट में आएगा, तो हमको बहुत इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं 60 जो है यहाँ पे, सॉरी 60 डेज नहीं आएगा, पर 60 वर्क, 60 यूनिट। अब यहाँ पे हम ए और बी उसको टोटल 60 चॉकलेट बनाने को दिया है, वो 12 डेज में ख़त्म करता है, तो एक दिन में वो कितनी चॉकलेट बनाते होंगे? 5 चॉकलेट बनाते होंगे। बी को हमने सेम वर्क दिया, 60 चॉकलेट बनाने को दिया, वो 30 दिन में बनाता है, तो एक दिन में वो कितनी चॉकलेट बनाता होगा? 2 चॉकलेट बनाता होगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 2, मतलब 3 आएगा। अब ए को सेम काम हमको देना है, तो मतलब ए को 60 चॉकलेट बनाने को देना है, तो वो एक दिन में कितनी बनाता है? 3। तो 20 डेज, मतलब 20 दिन में, एक दिन में 3 बनाता है टोटल 60 बनाने, तो 20 दिन काम करेगा तो टोटल 20 डेज में 60 चॉकलेट बना पाएगा। चलिए अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है, मतलब 600 रुपी है वो सब में बांटना है किसको कितना मिलेगा, तो जो जितना काम मिलेगा करेगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा पैसा। तो यहाँ पे ए एंड बी अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 6600 रुपीज। ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट इन 6 डेज, वेल बी अलोन इन 8 डेज,
और टेक एंड फिनिश इट इन 3 डेज। तो हम जैसे पहले किया था वैसे ही करना है इसमें, मतलब एलसीएम लेना है हमको। ए अलोन, ए जो है अकेला कितने 6 डेज में करता है, बी अलोन मतलब बी अकेला वो काम करेगा तो वो 8 डेज में करेगा, विद द हेल्प ऑफ सी मतलब तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम 3 दिन में खत्म कर सकते। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा इसका एलसीएम, मतलब ये जो है वो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। अभी देखो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 24 उसको टोटल चॉकलेट बनानी है, वो 6 दिन में खत्म करता है, एक दिन में 4 चॉकलेट बनाता है। बी जो है वो सेम कितना बनाएगा, 24 बनानी है और वो 24 चॉकलेट बनानी है और 8 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में 3 बनाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी और सी, 24 बनानी है पर वो 3 दिन में ही ख़त्म करते, तो टोटल 8 चॉकलेट बनाते होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको पता है कि ए जो है एक दिन में 4 बनाता है, बी है वो एक दिन में 3 बनाता है, लेकिन तीनों साथ में मिलके करते हैं ए बी और सी, तो 8 बनाते हैं। तो सी जो है वो एक दिन में कितनी चॉकलेट बनाता होगा, 1 चॉकलेट बनाता होगा। ऐसे अगर नहीं पता चलता है तो आप यहाँ पे ए और बी जो है उसका वैल्यू रख दो, मतलब 4 प्लस 3 7 होगा, तो सी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 बराबर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 4 चॉकलेट बनाता है, बी है वो एक दिन में 3 चॉकलेट बनाता है और सी है वो, तो ये तीनों का एफिशिएंसी रेशियो मतलब तीनों जो काम करते हैं वो ऐसे काम करते हैं, मतलब ए है वो एक दिन में 4 चॉकलेट बनाता है, 3 चॉकलेट बनाता है और 1 चॉकलेट बनाता है। अभी हमको हमारे पास 600 रुपीज़ है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड है, ये तीनों का सम ले लो तो क्या आएगा, ये तीनों का सम ले लो तो 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा, 8। अभी 600 को 8 से डिवाइड कर दो, 600 को अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 600 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे सीधा 8 से ही कटेगा, 8 5 40 75। अभी 75 कितना, एक पार्ट है, एक पार्ट है 75, तो सी है सी को कितना मिलेगा 75, इसको कितना मिलेगा, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 225, और इसको कितना मिलेगा 75 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 300। तो ए को टोटल कितना पैसा मिलेगा, 300 रुपीज़ मिलेगा, बी को 225 रुपीज़ मिलेगा और सी को 75 रुपीज़ मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा है कि ए जो है वो एक काम 20 दिन में ख़त्म करता है, बी जो है वही काम 30 दिन में ख़त्म करता है और सी है वो वही काम 60 दिन में ख़त्म करता है। तो हमारी जो मेथड है वो सेम है, ये सबका एलसीएम लेना है तो 60 आएगा, टोटल काम करना है उनको 60। तो क्वेश्चन ये है कि कितने दिन में काम खत्म होगा, अगर ए जो है वो 2 दिन काम करेगा और तीसरे दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे, तो ए को 60 चॉकलेट बनाने को दिया है, वो 20 दिन में ख़त्म करता है, एक दिन में 3 चॉकलेट बनाएगा, बी जो है वो एक दिन में 2 चॉकलेट बनाएगा और सी एक दिन में इतनी। अब देखो यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3, पहले दिन पे ए को अकेले को काम करना है तो वो 3 चॉकलेट बनाएगा, दूसरे दिन भी ए को अकेले को काम करना है वो 3 चॉकलेट बनाएगा, तीसरे दिन सबको मिल के काम करना है मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 तीनों मिलके तीसरे दिन 6 चॉकलेट बनाएंगे, तो जो 3 दिन है 3 डेज में टोटल कितना काम करेंगे वो लोग, तो 6 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 12, 12 जितनी चॉकलेट बनाएंगे वो लोग 3 दिन में, तो उनको टोटल बनानी है कितनी चॉकलेट, 60 चॉकलेट बनानी है और वो 12 जितनी चॉकलेट बनाते हैं 3 दिन में। यहाँ पे
फाइव टोटल आया, फाइव है। और बार चॉकलेट वो लोग बनाए बनाते हैं कितने दिन में? 3 दिन में। तो यहाँ पे 5 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15 डेज। एक क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, मतलब ए और बी दोनों साथ में मिलके एक काम करते हैं तो वो 30 दिन में काम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल हमको डेज दे दिया है 30 डेज, तो हम टोटल वर्क जो है वो 30 लेंगे, ठीक है। मतलब टोटल वर्क कितना हुआ? 30, मतलब उनको 30 चॉकलेट बनाने को दी है ए और बी को, तो वो 30 दिन में ख़त्म कर दे। तो एक दिन में ए और बी कितनी चॉकलेट बनाते होंगे? एक जितनी चॉकलेट बनाते होंगे, ठीक है। एक जितना वर्क करते हैं, मतलब एक चॉकलेट बनाते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट, तो मतलब दोनों ने साथ में मिल के एक दिन में, यहाँ पे 1 डे, मतलब एक दिन में एक चॉकलेट बनाते हैं, तो उन्होंने 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में कितनी चॉकलेट बनाई होगी? तो टोटल 20 जितनी चॉकलेट बनाई होगी, ए प्लस बी, एक दिन में इतनी बनाते हैं तो 20 दिन काम किया तो 20 चॉकलेट बनाई होगी। अभी टोटल वर्क कितना था? टोटल उनको 30 30 बनानी थी, उसमें से 20 बना दी, तो 10 जितनी चॉकलेट अभी बची है, मतलब 10 जितना काम करने का बाकी है। तो अभी बी चला गया, सिर्फ ए अकेला ही बचा है, और ए जो है वो 10 चॉकलेट बनाने में 20 दिन लगाता है, तो ए का इफिशियंसी क्या होगा? ए को टोटल 10 चॉकलेट बनाने में 20 दिन लगता है, मतलब 1/2। तो ए जो है एक दिन में आधी चॉकलेट बनाता है, एक दिन में आधी चॉकलेट बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पूरा काम, मतलब 30 चॉकलेट बनाने को दिया होगा ए को, तो वो कितने टाइम में खत्म करेगा? टोटल 30 चॉकलेट ए को बनानी है, उसमें से वो एक दिन में आधी बनाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10/5, मतलब 60 डेज, ठीक है। तो ए को अगर अकेले को ये काम करने को दिया है, तो वो 60 दिन में 30 चॉकलेट बनाएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, मतलब एक्स जो है वो एक काम करने 40 दिन लगाता है, तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क जो है वो हमारा 40 हो गया, मतलब एक्स को 40 चॉकलेट बनाने को दिया है, तो वो कितने टाइम में बनाता है? 40 दिन में बनाता है, तो वो एक दिन में एक दिन में एक चॉकलेट बनाता होगा, ठीक है। अभी वो 8 दिन काम करता है, उसके बाद चला जाता है, तो टोटल वर्क कितना है? 40, उसमें से वो 8 चॉकलेट बना दिया, तो बाकी कितनी बची? 32 चॉकलेट अभी बनानी है। तो वो 32 चॉकलेट बनाने में वाई को 16 दिन लगता है, तो वो एक दिन में कितनी चॉकलेट बनाएगा? 1 डे, मतलब एक दिन में वो 2 चॉकलेट बनाएगा, ठीक है। वाई एक दिन में 2 चॉकलेट बनाएगा। अगर वो दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, साथ में मिलके अगर वो दोनों काम करेंगे, तो कितनी कितने दिन में ख़त्म होगा? टोटल बनानी है उनको कितनी चॉकलेट? सॉरी, टोटल 40 जितना काम है, मतलब 40 चॉकलेट उनको बनानी है। तो एक्स जो है वो एक दिन में एक चॉकलेट बनाता है, वाई जो है वो एक दिन में 2 चॉकलेट बनाता है, तो इतना दिन वो लोग काम करेंगे तो वो लोग 40 चॉकलेट बना पाएंगे।